ये कहानी अब्दुल्ला नाम के एक साहूकार की है जो बड़ा ही लालची और धुर्त था। लेकिन एक दिन तीन मुसाफिरों ने मिलकर इस साहूकार को एक यादगार सबक सिखाया। क्या था वो सबक? चलिए देखते हैं ये कहानी। और हाँ, ऐसी अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बगदाद शहर में अब्दुल्ला नाम का एक साहूकार रहता था जो बड़ा ही लालची और दुष्ट था। वो लोगों को कर्जा तो देता था लेकिन सूद समेत वो वसूल भी करता था। मिर्जा नाम के एक गरीब किसान ने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे जो वो चुका नहीं पाया था। मालिक, थोड़ी मोहलत और दीजिए, मैं एक महीने में आपका पूरा कर्जा चुका दूंगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे मेरा पैसा कल ही चाहिए, वरना मैं तुम्हारे पूरे घर की नीलामी कर दूंगा। अब जाओ यहाँ से, मुझे और भी काम है। बेचारा मिर्जा दुखी होकर वहाँ से चला गया। उस शहर में आए तीन मुसाफिरों ने साहूकार की ये बात सुन ली थी। ये साहूकार तो बड़ा ही दुष्ट लगता है, सीधे साधे लोगों को लूट रहा है। चलो इस साहूकार को सबक सिखाते हैं। उन तीनों ने आपस में कुछ तय किया। उनका एक दोस्त एक बड़े ही कमजोर गधे को साथ लेकर उस साहूकार के पास पहुँचा। जरा सुनिए तो, मेरे पास ये 1000 दिनार है, क्या आप मुझे इसके छुट्टे पैसे दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं थोड़े पैसे काट लूंगा। चलो ठीक है। अब्दुल्ला ने उसे छुट्टे पैसे दे दिए और वो उन छुट्टे पैसों को गिनने लगा। तभी उसके दोनों दोस्त भी वहाँ पर आ टपके। अरे, ये तो वही गधा लगता है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि जिस गधे को हम खरीदना चाहते थे ये वही है? हाँ हाँ, पूरा यकीन है। चलो उससे बात करते हैं। सुनो भाई, हम तुम्हारा ये गधा खरीदना चाहते हैं। हम तुम्हें इसके पूरे 100 दिनार देंगे। अब्दुल्ला उस मुसाफिर की ये बात सुनकर चौंक जाता है। 100 दिनार? इस कमजोर गधे की कीमत तो 5 दिनार से भी कम होगी, फिर ये इसे 100 दिनार में क्यों खरीदना चाहते हैं? अब्दुल्ला को उनकी इस बात का बड़ा अचरज हुआ और वो बड़े ध्यान से उनकी आगे की बातें सुनने लगा। नहीं नहीं, मुझे अपना गधा नहीं बेचना, चाहे फिर तुम मुझे 500 दिनार ही क्यों ना दे दो। चलो ठीक है, ना तेरी ना मेरी, हम इस गधे के पूरे 10,000 दिनार देंगे। बोलो, है मंजूर? उनकी ये बातें सुनकर तो अब्दुल्ला के अब होश उड़ जाते हैं। वो उन दोनों दोस्तों के पास आता है। जरा सुनिए तो, ये गधा तो बड़ा ही कमजोर है, मेरे पास इससे भी हट्टे कट्टे 2 गधे हैं। 500 दिनार में 1, 1000 में 2, बोलिए है सौदा मंजूर? तुम्हें उस गधे की असली कीमत का पता नहीं है, इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। नहीं भाई, हमें तो वही गधा चाहिए। देखो भाई, आखिरी बार पूछ रहे हैं, 15,000 दिनार। 20,000 दिनार से 1 पैसा भी कम ना लूंगा। लेना है तो बोलो, वरना अपना रास्ता नापो। 20,000 दिनार? अरे, ये गधा तो बूढ़ा हो गया है, न जाने कब मर जाए। तुमने मेरे गधे को बूढ़ा कहा? अब तो मैं इसे हरगिज नहीं बेचूंगा। अब्दुल्ला अब हैरान होकर उस गधे वाले के पास आता है। अरे भाई, इतनी अच्छी कीमत मिल रही है, बेच क्यों नहीं देते? क्योंकि मेरा गधा कोई ऐसा वैसा गधा नहीं है, वो तो करामती गधा है। करामती गधा? भाई, ऐसी क्या बात है इस गधे में? वो मैं आपको क्यों बताऊं? अब अब्दुल्ला और भी परेशान हो जाता है। वो उन दोनों मुसाफिरों के पास आता है। अरे भाई, जरा मुझे भी तो बताओ, ऐसी क्या खास बात है इस गधे में जो तुम इसकी इतनी कीमत देना चाहते हो? अरे साहूकार जी, किसी से कहिएगा मत, ये गधा जमीन में गड़े सोने का पता लगाता है। क्या सच में? और नहीं तो क्या। अब जब हमने आपको ये राज की बात बता ही दी है, तो आप हमारी एक मदद भी कर दीजिए। कैसी मदद? ये गधे वाला तो ये गधा हमें बेचने से रहा, अब आप ही ये गधा 20,000 दिनार में उससे खरीद लीजिए, फिर हम आपसे वो गधा खरीद लेंगे और हमें मदद करने के बदले में उसके ऊपर और 500 दिनार भी देंगे, ठीक है ना? अब्दुल्ला को ये सौदा बड़ा पसंद आया। उसने 20,000 दिनार देकर गधे वाले से वो गधा खरीद लिया। लेकिन जब वो दोनों मुसाफिर उसके पास आए, तब वो उनसे बोलने लगा। देखिए जनाब, मुझसे ये गधा खरीदने के लिए तो आपको मुझे अब 50,000 दिनार देने पड़ेंगे। लेना है तो बोलो, वरना सोच रहा हूँ कि इस गधे को मैं ही रख लेता हूँ। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि जिस गधे को हम खरीदना चाहते थे ये वही है? नहीं नहीं, ये वो गधा नहीं लग रहा। देखिए साहूकार जी,
हमें यह गधा नहीं चाहिए, इसे अब आप ही रख लीजिए। उन दोनों की ये बातें सुनकर सावकार के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे कहने पर ही तो इस गधे को मैंने खरीदा है। तुम्हारी मदद करने पर ज्यादा के 500 दिनार देने का भी वादा किया था तुमने। अब इसे ले लो और मुझे मेरे 20,000 दिनार और ऊपर के 500 दिनार लौटा दो। हमने कहा ना आपसे साहूकार जी, हमें यह गधा नहीं चाहिए, इसे आप ही रख लीजिए, हम तो चले। अब्दुल्ला बौखला जाता है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सुनो सुनो लोगों, सुनो, इन दोनों के कहने पर मैंने ये गधा 20,000 दिनार में खरीदा। अब ये मुझे मेरे पैसे लौटा नहीं रहे हैं। अब्दुल्ला की ये बात सुन वहाँ पे जमे सभी लोग हंसने लगते हैं। 20,000 दिनार, अरे इस गधे की कीमत तो 5 दिनार भी नहीं होगी। आप इतने बेवकूफ तो नहीं हो साहूकार जी कि उन्होंने कहा और आपने खरीद लिया। सभी लोग अब्दुल्ला की इस बेवकूफी भरी हरकत पर हंसने लगते हैं। अब्दुल्ला को अपनी मूर्खता का एहसास होता है और शर्मिंदा होकर वो वहाँ से चला जाता है। तीनों मुसाफिर उस गरीब के घर आते हैं और उसके हाथों में कुछ पैसे रख देते हैं। इन पैसों से तुम उस साहूकार का कर्जा चुका दो और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुम सभी को कामयाबी दे, बरकत दे।